तो जैसे कि हम जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम है सीएमए फाउंडेशन का जिसमें सारे के सारे पेपर्स आपके एक ही दिन होंगे पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री एंड पेपर फोर अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर फोर में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड स्कोर करना चाहते हैं बट साथ ही में उनके क्वेरीज भी रहती हैं कि क्या मैम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट दैट इज पेपर फोर में क्या हम हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड ला सकते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन का जवाब देने के लिए गाइस मैं आ चुकी हूँ आपके सामने जय श्री श्याम एवरी वन दिस इज योर दुआ वेलकम यू टू सी एम ए फाउंडेशन ग्रूमिंग एडुकेशन तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पेपर फोर के बारे में दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको यूज करके आप आराम से इस पेपर में हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड स्कोर कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अब हम बात करेंगे ऐसी स्ट्रेटेजी की जो हमें यूज करनी है ताकि हमारा जो भी ड्रीम है जो भी टारगेट है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड वो स्कोर हो जाए तो चलिए तो देखिए बच्चों क्योंकि हमारा टारगेट है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड का राइट वी वॉन्ट टू स्कोर हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट तो देखिये सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए जिस भी पेपर में आपको हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड स्कोर करना है तो आपको उस पेपर के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए फुल नॉलेज यू मस्ट बी फुली अवेयर अबाउट सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर चैप्टर वाइज वेटेज और यू कैन से स्टडी नोट नंबर वाइज वेटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर राइट एंड मोर ओवर द पैटर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सके तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं वेटेज ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पेपर है आपका वो हंड्रेड मार्क्स का होगा ठीक है एंड इस पेपर को बेटा बेसिकली दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है एक है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और दूसरा है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरा पेपर हंड्रेड मार्क्स का है जिसमें से फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेटेज रहने वाली है सेवेंटी मार्क्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की वेटेज रहने वाली है थर्टी मार्क्स ठीक है नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टडी नोट नंबर वाइज वेटेज तो अगर मैं बात करूं फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की तो इसमें आपके फोर स्टडी नोट्स रहेंगे ठीक है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा सेक्शन आपका सेवेंटी मार्क्स का आने वाला है तो आइए देखते हैं कौन से स्टडी नोट की कितनी वेटेज रहती है स्टडी नोट नंबर वन बेटा आएगा फिफ्टीन मार्क्स का स्टडी नोट नंबर टू आएगा ट्वेंटी मार्क्स का स्टडी नोट नंबर थ्री विच इज मनी एंड बैंकिंग ये भी आएगा ट्वेंटी मार्क्स का एंड स्टडी नोट नंबर फोर विच इज इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट ये आएगा, आएगा आपका फिफ्टीन मार्क्स का और अगर मैं बात करूं फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की तो उसमें सिर्फ एक ही स्टडी नोट है ठीक है, इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट वो पूरा का पूरा आपका थर्टी मार्क्स का है सिर्फ एक ही स्टडी नोट है ठीक है ओनली वन स्टडी नोट और वो थर्टी मार्क्स का है तो ये तो हमने कर ली वेटेज की बात अब हम थोड़ा सा बात करेंगे पेपर स्ट्रक्चर के बारे में देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया हंड्रेड मार्क्स का ये पेपर होगा एंड वन आर आपको प्रोवाइड किया जाएगा यानी कि 60 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ठीक है आपका जो पेपर है वो बिल्कुल एमसी बेस्ड है मतलब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हों क्वेश्चन के साथ फोर ऑप्शन होंगे वहां पर एंड आउट ऑफ द फोर ऑप्शन यू नीड टू सेलेक्ट वन करेक्ट ऑप्शन अमंग द फोर ऑप्शन ठीक है सो एम सी क्यू बेस्ड रहने वाला है दो सेक्शन में डिवाइडेड होगा आपका ये पेपर जो कि मैंने आपको बताया फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि 70 मार्क्स की वेटेज रखता है एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि 30 मार्क्स की वेटेज रखने वाला है ठीक है तो ये तो है कुछ आपका पेपर स्ट्रक्चर ठीक तो चलिए अब हम बात करेंगे कि हमें करना क्या है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड लाने के लिए तो चलिए ये तो हो गई कंप्लीट नॉलेज अबाउट द पेपर अब हमें करना क्या है मैम अगर हमें हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड स्कोर करना है तो बेटा सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है तो देखिए जब हम इतना बढ़िया टारगेट रख रहे हैं विच इज हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड तो इसका मतलब आपको हर, हर एक स्टडी नोट को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है कोई भी स्टडी नोट हमें छोड़कर नहीं जाना है तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द स्टडी नोट इन योर मोड्यूल ठीक है और साथ में हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिर ये समझो ठीक है क्योंकि देखो यहां पर बच्चों हमें पासिंग मार्क्स नहीं लाने कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक कर जाओगे और नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रहने दोगे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और एमसी की क्वेश्चन तो होते हैं जो कहीं से भी बन जाते हैं तो मेक श्योर sure कि आप हर एक टॉपिक को इम्पॉर्टेंट ही समझो आपके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि कुछ नॉन इंपॉर्टेंट हो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट सो यू नीड टू कवर अप एवरी टॉपिक ऑफ एवरी स्टडी नोट इन डिटेल ठीक है मेनली हमें क्या करना है हमें फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ठीक है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट करना है यानी कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे आपको फोकस करना है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए अब मैम हमें पता कैसे लगेगा कि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए या नहीं देखो बेटा जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ठीक है वो इस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्लेन करो जैसे आप किसी स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो ठीक है तो इससे अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट अगर नहीं कर पा रहे हो अटक रहे हो तो इसका मतलब अभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और हमें उस कॉन्सेप्ट को अभी थोड़ा और टाइम देना है या फिर आप अपने किसी सिबलिंग को या अपने किसी फ्रेंड को समझा कर देख लो वो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप समझा पा रहे हो तो दैट मीन्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो चुकी है अगर समझा नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब अभी प्रॉब्लम है दोबारा से ये कॉन्सेप्ट आपको गो थ्रू करना होगा ठीक है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है ये चीज ठान लो और यहां पर मैं आपको ये बता दू कि मैजिकल सोर्स क्या रहेगा फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मतलब आपको कौन सी चीज रेफर करनी है चैप्टर्स को गो थ्रू करने के लिए स्टडी नोट्स को गो थ्रू करने के लिए वो है बेटा आईसीएमए का स्टडी मटेरियल बिलीव में जस्ट इतना कर लो ICMAI का स्टडी मटेरियल जो है जो आपको मॉड्यूल गिवन है इंस्टीट्यूट के थ्रू ठीक है सिर्फ उसको रेफर करना है उसमें जितने भी स्टडी नोट्स हैं उनको अच्छे से डीपली गो थ्रू करना है एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी कुछ और रेफर करने की नीड है ही नहीं योर ICMAI study material is enough. अच्छा make sure मैं बहुत से students को देखती हूँ chapter go through किया अच्छे से समझ लिया हर एक टॉपिक हाँ हो गया नो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर देखो जब तक आपने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं किया रहे न, तो आप किसी भी चैप्टर को कम्प्लीट नहीं मानोगे ठीक है वो आपके लिए इनकम्पलीट ही होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको अभी बताया अभी कि 90 परसेंट क्वेश्चन कौन से थे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे आईसीएमए के स्टडी मटेरियल के तो सोचो ये क्वेश्चन मैजिकल क्वेश्चन हैं तो इनको तो हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है

आपके हैंड रिटन खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और यहां पर तो मैं आपको ये बोलूंगी कि जब आप चैप्टर्स को थ्रू कर रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए लर्न दैट कॉन्सेप्ट एंड राइट दैट कॉन्सेप्ट इन योर ऑन लैंग्वेज और उसे रिव्यू करें कि ठीक भी लिखा है या नहीं और अगर ठीक लिखा है तो वही आपका शॉर्ट नोट बन गया राइट right. तो शॉर्ट नोट्स भी इस तरीके से बना लीजिए कि आपका लर्निंग वर्क भी वहां पर कंप्लीट हो जाए देखिए यहाँ पर शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने को बोल रही हूं मैं मैं इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाने को बोल रही हूं क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं रिविजन के टाइम पे ठीक है और रिविजन बहुत ही जरूरी होती है रिविजन के बिना हमारा कोई भी चैप्टर कंप्लीट कंसिडर नहीं होना चाहिए ठीक है आपने कभी सुना होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं बोलते हैं मैम लर्निंग वर्क तो बहुत करके गए थे लेकिन आगे जाके जब पेपर में बैठे सारी चीजें हमारे माइंड से हट गई हम भूल गए बहुत सी चीजें तो वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि हम चैप्टर को गो थ्रू तो कर लेते हैं लेकिन बाद में उस चैप्टर को एक बार दोबारा देखते तक नहीं है राइट right, आप लर्न कर रहे हो डेफिनेटली सारी चीजें आपके माइंड में नहीं रहेंगी आपको बार बार उस चैप्टर को गो थ्रू करना पड़ेगा जो आपने लर्न किया था तभी माइंड में रिटेंशन पार्ट डेवलप होगी उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए So, करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेक श्योर sure कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें मल्टीपल टाइम्स रिविजन होनी चाहिए ठीक है कम से कम थ्री टू फाइव टाइम्स तो रिविजन जरूर होनी चाहिए तभी हमारी रिटेंशन पार्ट डेवलप होती है और रिविजन करने के लिए हमें चाहिए शॉर्ट नोट क्योंकि बार बार आईसीएमए का मटेरियल पूरा गो थ्रू करना डीपली पॉसिबल नहीं है राइट right? आप जिस टाइम फर्स्ट टाइम चैप्टर्स को गो थ्रू कर रहे हैं उसी टाइम शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि हम जब रिवीजन करें तो हमें सिर्फ क्या देखना है शॉर्ट नोट देखना है क्लियर है नेक्स्ट लर्निंग वर्क लर्निंग तो वर्क मैंने आपको जैसे बोला कि साइड बाय साइड करते चलू है ना लर्निंग वर्क आपने एक स्टडी नोट कंप्लीट किया आपने उसके उसके शॉर्ट नोट साइड साइड बाय बन गए जैसे आप आप उसे क्लैरिटी कर रहे थे राइट उसके बाद आप उसका लर्निंग वर्क भी कर लीजिए मतलब ऐसे मत करिए कि स्टडी नोट नंबर वन कर लिया स्टडी नोट नंबर टू कर लिया स्टडी नोट नंबर थ्री कर लिया स्टडी नोट नंबर फोर कर लिया लेकिन लर्निंग वर्क किसी का भी नहीं हुआ अब लर्निंग वर्क करने के लिए बैठेंगे तो सबका ही लर्निंग वर्क एक साथ ही करने के लिए बैठेंगे तो ये चीज गलत है आपने स्टडी नोट नंबर वन कंप्लीट किया डू द लर्निंग वर्क साइमटेनियसली स्टडी नोट नंबर टू पर आए तो स्टडी नोट नंबर वन को एक बार रिवाइज कर लिया और साथ में फिर स्टडी नोट नंबर टू का लर्निंग वर्क स्टार्ट कर दिया डू लाइक दिस कि लर्निंग वर्क को भी आप साइमटेनियसली करते जा रहे हो जैसे ही कोई चैप्टर या कोई स्टडी नोट एंड हो रहा है नेक्स्ट प्रैक्टिस एंड रिविजन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस एंड रिविजन ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस कैसे करनी है प्रैक्टिस करनी है हमें एमसीक्यूज की क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है तो हमें प्रैक्टिस करनी है सिर्फ एमसीक्यू क्यू क्वेश्चन की और वो कैसे करेंगे मॉक टेस्ट गो थ्रू करेंगे बिट क्वेश्चन पीवाई क्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोड्यूल के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन इन सबको इंपॉर्टेंस देते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी उतने अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे जितने अच्छे से का आंसर कर पाएंगे उतना बढ़िया स्कोर आने वाला है सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड राइट अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी जब भी आप मॉक टेस्ट करें ठीक है आप टाइम सेट करिए अपने लिए जैसे कि आपको पता है कि आईसीएमए आपको 60 मिनट प्रोवाइड करने वाला है फोर वन पेपर राइट तो आपको क्या करना है आप भी जब मॉक टेस्ट करेंगे तो टाइम नोट कर लीजिए आपने जब मॉक टेस्ट करना स्टार्ट किया और कब एंड किया और आप कोशिश करिए कि आप हर एक मॉक टेस्ट को 45 मिनट में कंप्लीट करें ठीक है तो टाइम का भी ध्यान रखें क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पेपर रह गया मैम है ना स्पेसिफाइड टाइम में हम पेपर नहीं कर पाए वन आवर में हमारा पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी है जिसमें कि हम ये देख पाए कि हम मॉक टेस्ट को 45 मिनट में ही कंप्लीट कर लें, ठीक है तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है तो जो भी बच्चे को प्रिपेरेशन करनी है दिसंबर अटेम्प्ट की तो बेटा आप लोग हमारा कोर्स सीएमए फाउंडेशन कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं उसके लिए जो लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में ये वाला कोर्स आप परचेज कर सकते हैं जो कि नॉमिनल कॉस्ट पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियोस ऑफ एवरी चैप्टर कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल ओके एंड साथ में हमारे डाउट सेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको जो भी डाउट आते हैं वीडियोज देखने के बाद वो आप हमसे पूछ सकते हैं सो so, स्टूडेंट देर किस बात की है जल्दी से परचेज कर लीजिए सीएमए फाउंडेशन कॉम्बो कोर्स सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है इफ यू वॉन्ट टू स्कोर हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और मेरी ये गारंटी है आपको अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे डेफिनेटली डेफिनेटली हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आप स्कोर कर जाएंगे और टाइम कम नहीं है अभी भी लग जाएंगे तो हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड स्कोर हो जाएंगे तो यहां पर होप करती ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा इफ यू फील द सेम देन प्लीज 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 लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल तो यहाँ पर इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में विद अनदर यूजफुल एंड धमाकेदार कॉन्टेंट टिल देन बाय टेक केयर जय शीशा